चलिए ये बताइए मैं कि AOCS ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटी क्लासेस स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर AOCS एयरपोर्ट रिलेटेड जॉब्स। और आपको बताना चाहूंगा एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड अबंडेंट ऑफ इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन और उम्मीद है इस सेशन से हमारे सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा जो इस तरह के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल्स पीटी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग एयरलाइन एयरपोर्ट्स देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। अदर देन दैट आप हमारे दोनों चैनल से स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो रंजन सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। और आज जो हमारा सेशन है वो AOCS बेस्ड है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस। जी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है AOCS का, उसके बाद मैं आपसे टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। श्योर सर। सर दे आर रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग पैसेंजर क्वेरीज, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड टिकट सेल, कैबिन क्लीनिंग एंड कंट्रोलिंग एयरलाइन फ्लाइट ऑपरेशंस। सर ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि सभी फ्लाइट्स समय पर टेक ऑफ करें, एंड पैसेंजर्स का बैगेज सेफ रहे, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था बनाएं, एयरक्राफ्ट पर साफ सफाई बनाए रखें और अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें। कस्टमर्स की क्वेरी को फेस टू फेस और टेलीफोन पर आंसर करें। अटेंड द प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट ब्रीफिंग्स एंड फाइलिंग ऑल द नेसेसरी पेपर्स ऑफ फ्लाइट। अच्छा ये बताइए कि आप AOCS में क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? यस सर। सर आई हैव अ ग्रेट पैशन ऑफ डूइंग वर्क एट एयरपोर्ट। ओके। एंड सर मुझे मेरा पर्सनालिटी और मेरा नेचर इस काम को सूट करता है और मुझे जैसे कि नए नए लोगों से मिलना और नए दोस्त बनाना पसंद है। और इस जॉब के द्वारा मैं लोगों की कंप्लेंट्स सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक काम एंड कूल गर्ल हूँ। एंड आई हैव गुड कमांड ऑन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी एंड राजस्थानी लैंग्वेज। एंड आई एम अ टीम स्पिरिट गर्ल एंड आई एम आल्सो पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। ओके, चलिए ये बताइए मैं कि AOCS ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी है? यस सर। सर इसमें सबसे पहले हमारी ग्रेजुएशन कंपलसरी है क्योंकि ऑपरेशन ग्राउंड स्टाफ के लिए 80% जॉब्स में ग्रेजुएशन अनिवार्य है। सर कैंडिडेट की एज 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नो फिजिकल विजिबल टैटूज, नाइट शिफ्ट में वर्क करने के लिए तैयार रहना और फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ओके, चलिए ये बताइए कि इसमें हम कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं? सर इसमें हम सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, कैटरिंग, रैंप, कैबिन अपीयरेंस एंड कार्गो में जॉब्स पा सकते हैं। ओके, एयरपोर्ट ऑपरेशंस की इम्पोर्टेंस बताइए, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? श्योर सर। सर ग्राउंड ऑपरेशन से पैसेंजर्स को सिक्योरिटी मिलती है, एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट पर उपस्थित लोगों को सेफ्टी मिलती है। ओके। और एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रॉपर मैनेजमेंट से रैंप पर एक्सीडेंट्स नहीं होते और पैसेंजर्स को अच्छी सर्विस मिलती है। ओके, किस तरीके की प्रॉब्लम्स एयरपोर्ट पर आती है या देखने को मिलती है, कॉमन प्रॉब्लम्स? यस सर। सर कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जैसे फ्लाइट डिले, फ्लाइट कैंसिलेशन, ट्रबल विद बैगेज एंड पैसेंजर इशूज। ओके, हाउ डू एयरपोर्ट ऑपरेट, कैसे ऑपरेट होता है एयरपोर्ट? सर एयरपोर्ट ऑपरेट्स थ्रू मैनी एक्टिविटीज लाइक एयरक्राफ्ट पार्किंग, फ्यूलिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग पैसेंजर्स, बैगेज एंड कार्गो, मेंटेनेंस एज वेल एज मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। व्हाट आर द फेजेस ऑफ फ्लाइट? सर दीज फेजेज आर प्लानिंग फेज, टेक ऑफ फेज, क्लाइम फेज एंड क्रूज फेज, डिसेंट फेज एंड अप्रोच फेज एंड टैक्सी फेज। ओके, और फोर सिक्योरिटी एरियाज इन एयरपोर्ट कौन कौन से होते हैं वो फोर एरियाज? सर दीज दीज आर सिक्योर्ड एरिया एंड AOA, SIDA एंड ATSP। ओके, चलिए अब आप हमें ये बताइए कि एयरपोर्ट्स फोर टाइप्स के होते हैं अलग अलग, तो उनके नाम बताइए कितने कौन कौन से होते हैं वो? सर लार्ज हब एयरपोर्ट, मीडियम हब एयरपोर्ट, स्मॉल हब एयरपोर्ट एंड नॉन हब एयरपोर्ट। ओके, और एयरपोर्ट जॉन्स कौन कौन से होते हैं? सर दीज जॉन्स आर पब्लिक जॉन, रिजर्व्ड जॉन एंड सिक्योरिटी रिजर्व्ड जॉन एंड लीगली कंट्रोल्ड सिक्योरिटी जॉन। ओके, व्हाट इज एयरपोर्ट लेआउट प्लान? सर ALP इज ए स्केल्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर एयरपोर्ट फैसिलिटीज। ओके, एंड व्हाट इज एयरपोर्ट सिक्योरिटी कॉल्ड, क्या कहा जाता है इंग्लिश?
सर इट कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन TSA स्क्रीनर्स। ओके चलिए ये बताइए CTA एयरपोर्ट पर क्या होता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? सर इट स्टैंड फॉर कंट्रोल्ड टाइम ऑफ अराइवल। ओके अच्छा हमें आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताइए। सर आई एम अ पंक्चुअल हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड पर्सन टूवर्ड माई वर्क एंड माई वीकनेस इज आई एम अ लिटल वर्कहोलिक एंड लिटल टॉकटिव गर्ल। ओके आपकी हॉबीज? सर मेरी हॉबीज़ हैं नए लोगों से मिलना, नए लोगों से दोस्ती करना और उनके एक्सपीरियंस का एक्सप्लोर करना। ओके व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स? श्योर सर, सर दीज आर टावर कंट्रोलर, टर्मिनल कंट्रोलर एंड एन रूट कंट्रोलर। ओके और फायर डिटेक्शन सिस्टम एयरक्राफ्ट में जो लगे होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? सर वो भी 3 प्रकार के होते हैं। नाम बताइए। थर्मल स्विच, थर्मोकपल एंड कंटिन्यूस लूप। ओके व्हाट इज योर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ लाइफ? सर सबसे पहले तो मैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस को ज्वाइन करना चाहती हूँ और आने वाले 5 सालों में हार्ड वर्क करके मैं अपने आप को एक सीनियर पोस्ट पर देखना चाहती हूँ। ओके आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमसे? सर सैलरी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और जॉब सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू लाइक टू वर्क विद एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू डोंट लाइक टू वर्क विद? सर वैसे तो मैं हर पर्सन के साथ, हर टाइप की पर्सनैलिटीज के साथ इजीली वर्क कर सकती हूँ, पर फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसे लोगों के साथ वर्क करना अच्छा लगता है जो अपने काम को लेकर ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं और हार्ड वर्क करते हैं। और मुझे ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना अच्छा नहीं लगता जो अपने काम को लेकर ऑनेस्ट नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है और काम से जी चुराते हैं। वंडरफुल आपने अपनी तरफ से बेस्ट बताया, अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो बिल्कुल लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देते हैं और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ऑब्वियस है वो आपके बारे में जरूर पूछेंगे, उस दौरान आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर ये जो एयरपोर्ट इंटरव्यूज होते हैं क्या ये इंग्लिश में होते हैं या हिंदी में होते हैं? तो उन्हें बताना चाहूंगा कि देखिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कम से कम कुछ आंसर्स इंग्लिश में ही बोलें। फॉर एग्जाम्पल आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दीजिए, आप अपनी फैमिली के बारे में इंग्लिश में दीजिए, आप कुछ आंसर्स में इंग्लिश ही रखिए, आप खुद देखिए बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। रजत टेल अबाउट योर फैमिली। श्योर सर, सर इन माय फैमिली वी आर 5 मेंबर्स, माय फादर इज अ फार्मर, माय मदर इज होम मेकर एंड माय 2 यंगर सिबलिंग्स आर स्टडिंग। ओके तो देखिए रजन को बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, इवन दैट इन्होंने जो आंसर दिया वो बिल्कुल इंग्लिश में दिया, तो इंग्लिश आना नहीं आना मैटर नहीं करता, मगर कुछ आंसर्स आपके पास यदि इंग्लिश में होते हैं तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। तो इंटरव्यू में एक बात ध्यान रखेंगे, हाँ होगा ऐसा कि कुछ देर बाद में इंटरव्यू कुछ आंसर्स आपको हिंदी में आएंगे तो आप उन्हें हिंदी में जवाब दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो मेरी बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।